आज हम जीवधारियों के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी जीवधारियों में जीवित रहने के लिए एक उनकी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जीवों में जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, सभी जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सारी क्रियाएं जीवों में पाई जाती हैं। तो इसे हम सजीव कहते हैं, और जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो सजीवों में पाए जाने वाली जो लक्षण हैं, ये जीवों के अंदर रासायनिक रूप से एक संगठित यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप होता है, जिसके अंदर कोशिकाओं में जीवद्रव का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम जीवों का जो आणविक संगठन के द्वारा, आणविक संगठन से जीव द्रव का निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो सरल अणु जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो जीवों में हम आणविक संगठन देखते हैं। इसी तरह आणविक संगठन के साथ साथ जीवों का जो अन्य लक्षण जो है, इसके अंतर्गत हम जीवन ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। तो जीवों के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उनके पोषक पदार्थों से, पोषण से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा उनकी जीवों में पदार्थों के श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे ATP कहते हैं। ये ATP ऊर्जा जो है अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण जीवों के अंदर मुख्य रूप से श्वसन के द्वारा बने हुए श्वसन क्रिया में बने हुए क्रिया के फलस्वरूप बनता है ATP। और जो श्वसन की क्रियाएं हैं, ये श्वसन की क्रिया के दौरान बने ऊर्जा का उपयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। जितने भी विघटन की क्रियाएं होती हैं या कैटाबोलिक क्रियाएं होती हैं, जिसे हम अपचय कहते हैं, अपचय की क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो ऊर्जा होता है वह ATP के रूप में संचित होता है। तो इस ATP का उपयोग जीव अपने जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं या पदार्थों के संश्लेषण के लिए करते हैं। तो इसमें पदार्थों के संश्लेषण के लिए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, या अन्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ATP से ही पदार्थों के संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो इस जो पदार्थ की संश्लेषण की क्रिया होती है वह क्रिया कहलाती है उपचय। यहाँ पर होने वाली क्रियाएं अपचय है, जिससे पदार्थों का विघटन होता है, और विघटन के फलस्वरूप जब पदार्थ टूटते हैं तो टूटने से जो ऊर्जा बनती है वह ATP के रूप में संचित होती है। और जो ऊर्जा का उपयोग जीव अपने जैविक कार्यों में करते हैं, ये क्रिया कहलाता है उपचय, जिसमें पदार्थों का संश्लेषण होता है, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, पदार्थों का संश्लेषण। तो इस तरह से जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ATP से ऊर्जा लेते हैं। ATP एक बृहत जटिल अणु होता है, जिसमें ATP को सामान्य रूप से हम ए सुगर और इसमें 3 फास्फेट समूह इसमें जुड़े होते हैं। तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट ATP का पूरा नाम है। इसमें एक अणु नाइट्रोजन बेसिस होता है। नाइट्रोजन बेसिस वो हैं जो पीरीन और पिरिमिडीन, दो नाइट्रोजन बेसिस के यौगिक से मिलकर बने होते हैं। कोई एक नाइट्रोजन बेसिस इससे जुड़ा होगा और उसके बाद 5 अणु कार्बन शुगर परमाणु होंगे और 3 अणु इससे फास्फेट अणु जुड़े होते हैं। तो इन फास्फेटों के बीच जो बंद होता है हायर एनर्जी उच्च ऊर्जा बंद पाया जाता है। जब ये फॉस्फेट अणु टूटते हैं ATP से
जब ऊर्जा निकलता है फास्फेट अणु की ऊर्जा निकलेगा तो ये बना लेता है एडीपी। और इस तरह से एडीपी को अगर पुनः फास्फेट अणु मिल जाते हैं क्रिया के दौरान संश्लेषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब उस समय एटीपी से ऊर्जा लेते हैं और एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। क्रिया के समय जब पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उस समय एटीपी का निर्माण होता है, तो ये एटीपी पुनः एडीपी से मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक एटीपी से 14 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम जब ऊर्जा जीवों के अंदर जो ऊर्जा संचित है इस ऊर्जा को हम विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। तो एक प्रकार से ये एटीपी ऊर्जा रूपी करेंसी के रूप में माना गया है। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी के अणु क्रियाशील होकर ये एडीपी में परिवर्तित हो जाते हैं और जब फिर एडीपी को फॉस्फेट अणु मिलता है तो एटीपी में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से एटीपी के द्वारा जीवों में उनकी विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हैं ये नियंत्रित होती हैं, जिसके द्वारा अन्य कार्य देखने को मिलता है। जैसे कि विभिन्न क्रियाओं के लिए सभी एटीपी शरीर को गर्म करती हैं। जब एटीपी बाहर निकलता है कोशिकाओं के अंदर एटीपी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जब बने हुए एटीपी ये उनकी गतियों को प्रदान करते हैं, जैसे कि पेशी संकुचन। जीवों के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो उनकी क्रियाओं के संचालन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो पेशी संकुचन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? एटीपी से ही प्राप्त होते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा जो जिनका पदार्थों का जब विघटन होता है तो जो ऊर्जा मुक्त होता है वह शरीर को गर्म रखने के लिए होता है। शरीर गर्म रहे तो जीवों की शरीर अतिरिक्त ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में शरीर को गर्म रखने के लिए भी होता है। इसी तरह अन्य क्रियाओं के लिए कीटों में और मछलियों में विद्युत तरंगों के रूप में प्रकाश के रूप में होते हैं। कीटों और मछलियों के लिए प्रकाश के रूप में उपयोग होते हैं। इसी तरह इनमें तंत्रिकी आवेगों के संचालन के लिए कोशिकाओं में तंत्रिकाओं के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिकाएं में जो उपस्थित जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा एटीपी से ही प्राप्त होते हैं। जब भी ऊर्जा की आवश्यकता है एटीपी एडीपी में बदल जाता है और पुनः एडीपी का जब फास्फेट अणु मिल जाते हैं तो एटीपी बना लेते हैं। अगर अणु एटीपी से एडीपी बना उसके बाद एडीपी को अगर फास्फेट अणु नहीं मिले हैं तो वह एएमपी बना लेता है, एडेनोसिन मोनोफास्फेट। एटीपी परिवर्तित हो सकता है एडीपी में और इस समय फास्फेट आयन बाहर निकल जाएंगे। पुनः जब ऊर्जा और निकलता है तो एएमपी एडेनोसिन मोनोफास्फेट के रूप में
बदल जाते हैं। तो जब भी ऊर्जा उत्सर्जित हो गया तो फास्फेट अणु के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है और यही ऊर्जा इनके जैविक क्रियाओं के लिए काम आते हैं। इस तरह से हम ATP को जीवों की ऊर्जा रूपी करेंसी कहते हैं। और ये सभी ATP ये विभिन्न पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणु पैरविक अम्ल का निर्माण करते हैं, तो उस समय पैरविक अम्ल जब बनता है, ग्लूकोज से पैरविक अम्ल जब बनते हैं तब भी ATP का निर्माण होता है। और ये पैरविक अम्ल ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए क्रैब चक्र के द्वारा विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। इसी तरह वसी अम्ल ये बीटा ऑक्सीकरण, वसी अम्ल बीटा ऑक्सीकरण में बदल जाते हैं, उस समय भी बीटा ग्लूकोज ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के फलस्वरूप पैरविक अम्ल बनता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया के फलस्वरूप पैरविक अम्ल तो इस समय भी ATP का निर्माण होता है। ये पैरविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर पैरविक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु से दो पैरविक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो ATP बनते हैं लगभग दो ATP बनते हैं और ये पैरविक अम्ल क्रैब चक्र के द्वारा ऑक्सीकृत कर लिए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल जो कि श्वसन क्रिया में होने वाली एक पूरी रासायनिक क्रिया है जो चक्र में पूर्ण होता है। क्रेब्स चक्र इस क्रेब्स चक्र के द्वारा ATP और क्रेब्स साइकिल की जो क्रिया है ये कोशिका के माइटोकांड्रिया कोशिका में होता है। इसी तरह वसी अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण जब होता है वसी अम्ल का जब ऑक्सीकरण होता है तो बीटा ऑक्सीकरण इसके दौरान बने हुए जो पदार्थ हैं बीटा कीटोम और इस क्रिया के फलस्वरूप भी ATP बनते हैं। ATP और ये ऑक्सीकरण से बीटा कीटो अम्ल बनता है और ये क्रैब चक्र के द्वारा फिर से आगे इनका ऑक्सीकरण होता है जिससे ATP का निर्माण होगा। इसी तरह अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन होता है। अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन तो यहाँ पर अल्फा कीटो अम्ल बनते हैं और इस दौरान भी ATP बनता है। अल्फा कीटो अम्ल
और फिर ये इसका ऑक्सीकरण आगे जो अल्फा कीटो अम्ल है इसका ऑक्सीकरण क्रेब चक्र के द्वारा पूर्ण कर लिए जाते हैं। ऑक्सीकरण जिसमें भोज पदार्थ का सरल अणु में टूटना, कार्बोहाइड्रेट है वह किसमें टूटते हैं ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से इसमें ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में प्रत्येक जीव में एटीपी के द्वारा ही इनकी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इस तरह से हम सजीवों में जो ऊर्जा प्राप्त होता है वह कोशिका के अंदर ही संचित फास्फेट अणु से ही प्राप्त होते हैं। आगे और जिसमें जैविक लक्षण जिसके अंतर्गत जीवों में स्थिर अवस्था और सम स्थापन स्थिर अवस्था और सम स्थापन समस्थापन तो जीवों में स्थिर अवस्था वह अवस्था है जितनी भी आवश्यक पदार्थ हैं जीव अपने आसपास के वातावरण से ही प्राप्त करते हैं। तो जितनी ली जाती है उतने ही ये वातावरण को मुक्त करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। तो जो पदार्थ वातावरण से लिया गया तो यह श्वसन की क्रिया में पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त हुए। ये पदार्थ जीवों में कहाँ से आए हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, भोजन के द्वारा ये ग्रहण करते हैं और पुनः ये वातावरण में ही मुक्त कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से जीवों में पदार्थों का आदान प्रदान उनकी जैविक क्रियाओं के द्वारा जितने पदार्थ ली जाते हैं उतने ही पदार्थ वातावरण में मुक्त होता है। तो इस तरह से जीवों में एक स्थिर अवस्था पाई जाती है, जितने पदार्थ लिए जाते हैं उतने ही पदार्थ वापस मुक्त होता है, या ये पदार्थों के रूप में संचित रहता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो ये पदार्थ विघटित होकर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। समस्थापन के अंतर्गत जिसमें चाहे वह छोटे या बड़े यांत्रिक स्वयं नियंत्रित क्रिया एक प्रणाली है समस्थापन, जीवों के अंदर सभी जो जैविक क्रियाएं हैं एक नियंत्रित रूप से होती रहती है। तो इस तरह हम जीवों में जो जीवों के अंदर होने वाली जो क्रिया है स्वयं अपने आप से नियंत्रित रहते हैं। इसमें पदार्थों का आदान प्रदान वातावरण से लिया जाता है और कोशिकाओं में पहुंचता है, फिर कोशिका से बाहर मुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो तंत्र बनता है वह कहलाता है खुला तंत्र। जीवों में एक प्रकार का खुला तंत्र होता है, जितने पदार्थ वातावरण से लेते हैं वही पदार्थ वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। और दूसरी जो अवस्था है समस्थापन, जिसमें सामान्य उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं ये स्वयं अपने अपने नियंत्रित होती हैं। इसी तरह बंद तंत्र, जीवों के अंदर बंद तंत्र होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो जीवों से बाहर नहीं निकल पाती। जैसे हम तेज प्रकाश में जब उपस्थित हैं और एकाएक अंधेरे स्थान पर आ जाते हैं तो उस समय हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद एक सामान्य
रूप से जब क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं तो हमें पुनः स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है ये बंध तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, कोशिका तक ही सीमित रह पाता। तो ये बंध खुला तंत्र बंध तंत्र हो गया। इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारी हृदय धड़कन बढ़ जाती है। हृदय धड़कन बढ़ने से ऑक्सीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया तेज हो गई मतलब ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं में शीघ्रता से पहुंचाने के लिए हृदय अधिक पंपन करता है। हृदय में अधिक धड़कन उत्पन्न होती है जिससे वह ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर शीघ्रता से पहुंच जाए। तो इस तरह से हम सामान्य अवस्था पर जो हृदय की धड़कन है एक मिनट में 72 बार होता है, लेकिन अन्य जगह उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं उस समय भी हम हृदय की धड़कन को ज़्यादा कंपन करते देखते हैं। तो इस तरह से ये खुला और बंद तंत्र हैं, जिसमें जीवों के अंदर स्वयं एक अपने आप में नियंत्रित होते हैं। तो इस तरह से स्थिर अवस्था और समावस्थाएँ दोनों ही जीवों के द्वारा जीवों में होने वाली एक जैविक जीवधारियों की जैविक लक्षण। आगे है स्वचिर स्थायित्व। स्वचिर स्थायित्व, जीव जिसमें क्रियाओं को स्वयं नियंत्रित करके ये अपने आप में स्थायित्व बनाए होते हैं। जीव में किसी प्रकार की जितनी भी जो जैविक क्रियाएं हैं स्वयं की कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके स्थायित्व इनमें प्राप्त होती है। इसी तरह वृद्धि, जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नई कोशिकाएं से उनकी संख्या में वृद्धि होती है या फिर उनके आकार या उनकी आकार और आकृतियों में वृद्धि देखने को मिलता है। चौथा है वृद्धि, जिसके अंतर्गत जीव अपनी कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इसमें अपनी आकार और आकृति में वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि जीवों के अंतर्गत होने वाली ऐसी उपचय क्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप जीवद्रव का निर्माण ज़्यादा होता है, जिससे जैविक क्रियाएं बढ़ जाती हैं और उनकी आकृतियाँ या आकार में वृद्धि होता है। तो इसमें कोशिकाओं के अंतर्गत जो वृद्धि होगा ये कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका गति के कारण, कोशिका के विस्तार के कारण और कोशिका में भिन्नता के कारण। तो इस तरह से हम कोशिका विभाजन जैसे वृद्धि के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें कोशिका वृद्धि के अंतर्गत कोशिका विभाजन, कोशिकाओं के अंतर्गत समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिससे उनकी कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है। कोशिका गति, कोशिकाओं में विभाजन के बाद ये वृद्धि करके अपने विभिन्न अंगों की ओर या विभिन्न अंगों का निर्माण करने के लिए प्रेरित होते हैं। कोशिका विस्तार, कोशिका विस्तार के अंतर्गत ये भी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं जो बनती हैं, जिसके द्वारा ये
सभी कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों के संचय के कारण उनके आकार को ग्रहण कर लेते हैं और इस तरह से ये कोशिका विस्तार जीवों के अंदर होता है। वृद्धि के अंतर्गत जिसमें कोशिका विस्तार, तो कोशिकाएं विभाजित होकर अपने विभिन्न आकृतियों को ग्रहण कर लेती हैं और फिर कोशिका की भिन्नता, कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप अपने अपने कार्यों के अनुरूप, अपने क्रियाओं के अनुरूप ये कोशिकाएं विभाजित होकर अपने कार्य करने लगते हैं। इसी तरह कोशिका की मृत्यु, कोशिका विस्तार के बाद है कोशिका भिन्नता, कोशिका भिन्नता में जिसे अपने विभाजन के बाद अपने कार्यों के अनुरूप कोशिकाएं विभाजित होते हैं, कोशिका विभाजन के बाद कोशिका की मृत्यु, कोशिका की मृत्यु। तो प्रत्येक कोशिकाएं विभाजित होकर एक पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाते हैं तो इनकी वृद्धियां रुक जाती हैं और ये कोशिकाएं क्रियाशील नहीं रह पाती, अपना कार्य करना बंद कर देती हैं जिससे कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो वृद्धि के अंतर्गत वे सभी उपचय की क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके अंदर जीवद्रव्य पदार्थों का निर्माण ज़्यादा होता है जिससे कोशिका की वृद्धि होती है। अगर अपचय की क्रिया ज़्यादा हो जाए, उपचय की क्रिया की अपेक्षा अपचय की क्रिया ज़्यादा हो जाए, उपचय मतलब पदार्थों का संश्लेषण और अपचय मतलब पदार्थों का विघटन। अगर अपचय की मात्रा ज़्यादा होने लगी, अपचय की क्रिया ज़्यादा होने लगेगी जिससे जीवद्रव्य में उपस्थित जो पदार्थ हैं उनकी कमियाँ होने लगी, तो कमी होने के कारण जीवद्रव्य में कमी होने के कारण उनकी वृद्धियाँ रुक जाती हैं। तो इस तरह से इसे क्षय कहा जाता है, कोशिका का क्षय। तो ये वृद्धि के अंतर्गत जीवों में, सभी जीवों में वृद्धि की लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रजनन और जीवत्व। आगे है इसमें प्रजनन और जीवत्व। इसमें प्रजनन के अंतर्गत सभी जीव अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो जीवों में एक ऐसा गुण होता है जो अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये एक अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ जो कि कोशिकाओं के अंदर केंद्रकी पदार्थ होते हैं डीएनए, डीएनए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी डीएनए के द्वारा ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो जीवों में, सभी जीवों में अधिकतर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होते हैं और कुछ वायरसों में आरएनए होता है। तो डीएनए के द्वारा ही ये क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में डीएनए के द्वारा जीवों में अनुवांशिक पदार्थ पहुँचाए जाते हैं और ये एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित होते रहते हैं जिससे जीवों में उनकी गुणों, ये गुण एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँचेंगे। तो ये पूरे गुण उनकी जो जनक कोशिका हैं, जनक से नई बनी कोशिकाओं में पहुँचते हैं। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसमें प्रजनन के फलस्वरूप जितने भी विभाजन होता है, कोशिका विभाजन,
कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत एक कुशकी जीव हैं जो हमेशा अमर रहते हैं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होता। ये जब विभाजित होते जाते हैं एक से दो बनेगा, एक कुशकी जीव है जब टूट गया तो दो बन गया। इस तरह से जो एक कुशकी जीव हैं, वायरस है, जीवाणु है, उनमें हमेशा अमर जीवत्व बना रहता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके जीवित रहने के लिए प्रजनन की क्रियाएं आवश्यक होती हैं। प्रजनन कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और ये कोशिका विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रजनन की जो विभाजन की क्रियाएं हैं मुख्य रूप से कोशिका विभाजन कोशिकाओं में तो समसूत्री विभाजन होता है और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाएं एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। ये लैंगिक विधि के द्वारा जीवों का निर्माण इसमें होगा, जिसमें या तो वृद्धि भी होता है या फिर जीवों का एक जीव से नए जीवों का निर्माण समसूत्री विभाजन के माध्यम से भी होता है। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्र जो पाए जाते हैं या डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, ये अनुवांशिक पदार्थ डीएनए गुणसूत्र ही हैं जो जीवों में पहुंचते हैं। ये सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिकाएं विभाजित जब होती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है और आधे होने से दो अलग अलग युग्मकों में पहुंचते हैं और दो युग्मक विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। दो युग्मक हैं मान लो, युग्मक जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2n यानी दुगुणित अवस्था है, एक निश्चित जीवों में हमेशा दुगुणित अवस्था में क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये विभाजित होते हैं तो विभाजन के फलस्वरूप एक सूत्री या अगुणित हो जाते हैं। रिडक्शन डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है तो एक युग्मक बना। उसी तरह दूसरे कोशिका का युग्मक जब बनता है, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा बना युग्मक एन होता है, ये दोनों एन जब संयोजित होते हैं तो जिससे 2n नए जीव का निर्माण होता है। तो नए जीव पुनः फिर से गुणित अवस्था में आ जाते हैं। तो प्रत्येक जीव गुणित अवस्था में होता है और जब युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधे हो जाते हैं और नए जीवों का निर्माण होता है। तो प्रत्येक जीव अपने जीवन जीवित को बनाए रखने के लिए इनमें प्रजनन की क्रियाएं आवश्यक रूप से होती हैं। तो जीवों में प्रजनन क्रिया पाया जाता है। इसी तरह अनुकूलन जिसमें जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं। अनुकूलन में जीव अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, वह कहलाता है अनुकूलन। तो जीवों में ऐसी क्षमता जिनमें होता है वह जीवित रहते हैं और जिनमें ये अनुकूलन वातावरण के प्रति अनुकूलित अगर नहीं होते तो वह जीव मृत हो जाता है। तो इस तरह से अनुकूलन दो तरह से अनुकूलन पाया जाता है, अल्पकालिक अल्पकालिक अनुकूलन वह अनुकूलन है कुछ समय के लिए उस वातावरण के प्रति अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे पौधे का विकास जो होता है सूर्य प्रकाश की ओर पौधे का शीर्ष भाग ऊपर की ओर वृद्धि करता है और निचला भाग यानी कि जड़ भूमि की ओर वृद्धि करते हैं। तो अगर इसमें गमले में लगे पौधे को समतल सतह पर रख दिया जाए, समतल सतह पर रखने से पौधे की जो वृद्धि है वह प्रकाश की ओर होने लगेगी।
ये एक अल्पकाल के लिए ऐसी स्थितियां जहाँ पर कुछ समय के लिए निर्मित हो रही हैं जिससे वो अपने आप को अनुकूलित कर रही हैं। लेकिन अगर हम इस गमले में लगे पौधे को सीधा रखते हैं गमला को, तो ये पौधा फिर पुनः सीधे प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगेगा। तो इस प्रकार के अनुकूलन अल्पकालिक अनुकूलन है, दूसरा है दीर्घकालिक अनुकूलन। दीर्घकालिक अनुकूलन जो में एक इस प्रकार की जो अनुकूलन है एक प्रकार से नए जीवों की उत्पत्ति को दर्शाता है। वातावरण के साथ साथ इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि जीव जो प्रारंभिक समय में जो जीव थे वह अभी जो पाए जाने वाले जीव से पूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। तो इसमें अनुकूलन के दीर्घ अनुकूलन के आधार पर उनकी संरचनात्मक संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है और उनकी क्रियाओं पर भी परिवर्तन आते हैं। जैसे संरचनाओं के आधार पर हम कुछ चिड़ियों या पक्षियों के बारे में देखते हैं, उनकी कार्य संरचना, उनकी जो चोंच होती है खाने के आधार पर, उनकी पोषण के आधार पर, जो जली जीवों को खाने वाले जो पक्षी हैं उनकी चोंच लंबी होती हैं और सामान्य रूप से जो कठोर चीज़ों को खाने वाली जो पक्षी हैं उनकी चोंच कठोर होती हैं, नुकीली होती हैं। जैसे कि तोता, तोता का जो चोंच होता है कठोर भागों को काटने के लिए होता है। इसी तरह जो जो जल पर पाए जाने वाले जल के आधार पर जीवों को भोज पदार्थों को अवशोषित खाने वाले जो जीव हैं उनकी चोंचें लंबी होती हैं। तो इस तरह से हम दीर्घ अनुकूलन के अंतर्गत उनकी जो संरचना में परिवर्तन देखते हैं। इसी तरह पक्षियों के उनके जो पंजे होते हैं कुछ चौड़े उनमें झिल्लियों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे पानी में तैरने वाली पक्षियाँ बदक हैं उनके जो पंजे हैं वो स्पंजी हैं और उनके बीच जालियों से बना होता है। कुछ स्थल में रहने वाले जो पक्षियाँ हैं उनके पैरों पर जाल नहीं पाए जाते। तो ये क्या है अनुकूलन, पक्षियों के उनकी संरचनाओं में जो अनुकूलन हम देखते हैं, तैरने के लिए उनमें स्पंज के समान रचनाएं चालीदार पाद होते हैं और दूसरे जो पादप हैं ठोस स्थानों पर बैठने के लिए उनकी पंजे अलग होते हैं। दीर्घकालिक अनुकूलन के बाद इसमें जिसके अंतर्गत संरचना हो गया, संरचना के बाद क्रियात्मक, क्रिया के आधार पर उनकी क्रियाएं पूर्ण रूप से भिन्न होती चली जाती हैं। कुछ जीव हैं जैसे कि मच्छर, मच्छर के जो अंडे हैं ये मानव रक्त में वृद्धि करते हैं और मच्छर के काटने से ही क्या होता है मलेरिया। तो मलेरिया क्यों हुआ, मच्छर के काटने से, मच्छर के अंडे वहाँ पर पैरासाइट जो पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट पर प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु पैरासाइट जो पाया जाता है वह ब्लड में वृद्धि करता है जिससे मलेरिया के फलस्वरूप मानव को बुखार आता है। तो इसमें क्रियाओं में परिवर्तन होता है। संरचना के आधार पर जैसे हम और भी देखते हैं जिराफ, इनके कार्यों भोजन करने के आधार पर बड़ी बड़ी ऊंचे पेड़ों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिससे इनकी जिराफ की गर्दन ऊंची हो जाती है। तो इस तरह से हम अनुकूलन के अंतर्गत अल्पकालिक अनुकूलन और दीर्घ अनुकूलन देखने को मिलता है। जो जीव जिनमें वातावरण में जो जीवित हैं उनमें अनुकूलताएँ पाई जाती हैं और निर्जीव में इस प्रकार की अनुकूलताएँ नहीं होता। अंत में है मृत्यु, सभी जीवों का अंतिम अवस्था जो होती है मृत्यु। प्रत्येक जीवों की कोशिकाएं विभाजित होकर परिपक्व होकर एक मैच्योर अवस्था पर आने के बाद उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं शिथिल हो जाती हैं और शिथिल होने से
उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं कम या बंद हो जाती, जिससे वह जीवित नहीं रह पाते या उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। इस तरह हम जीवों में विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ अंतिम जो क्रिया है, सभी जीवों का एक निश्चित समय के बाद ही मृत्यु होता है। अकारण किसी जीव का जब मृत्यु होता है तो उस समय या तो बीमारी से मर सकते हैं या किसी के द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन प्रत्येक जीवों का एक निश्चित आयु होता है और निश्चित आयु के आधार पर जीव अपने जैविक क्रियाएं करती रहती हैं। इसमें जीवों में सबसे अधिक जो जीव हैं लगभग 140 साल का उसका एज होता है तोता, तोता की आयु है 140। इसी तरह सिकोए प्लांट का है 3000 से 4000। तो जीवों का एक निश्चित आयु होता है। इसमें हाथी 65 साल का हो सकता है, 65 साल तक उसकी एक निश्चित आयु है, 65 साल तक वह जीवित रह सकता है। बंदर 20 से 25 साल तक वो जीवित रहते हैं। तो एक सभी जो में एक प्रकार से निश्चित आयु होती है और निश्चित आयु के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनमें जो मृत्यु की जो क्रियाएं हैं, अपचय की जो क्रियाएं हैं शिथिल हो जाती हैं और उपचय की क्रियाएं शीघ्रता से होने लगती हैं, जिससे जीवों के अंदर पदार्थों की कमियां होने लगती हैं। पदार्थ की कमियां होने से उनकी जैविक क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं और शिथिल होने से जीवों में कोई क्रियाएं नहीं हो पाती, जिससे जीव मृत हो जाता है। तो इस तरह से जीवों में मुख्य रूप से सभी जीवों का मृत्यु होना आवश्यक है। मृत्यु होने के बाद ये जितने भी तत्व हैं या पदार्थ हैं पुनः वातावरण में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह जीवों का एक निश्चित आयु के बाद उनकी मृत्यु होती है। इसमें सजीव जगत का भविष्य, तो जीवों का जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है और आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण से ही हम करते हैं। अगर इस वातावरण में कमियां आ जाती हैं तो इन्हीं विभिन्न जीवों की कमियों से वातावरण प्रदूषित हो सकते हैं या अधिकता से भी प्रदूषित होते हैं। तो इस तरह सभी जीवों का एक संतुलन बना हुआ, अगर वातावरण में किसी एक की मात्रा ज़्यादा हो गई तो दूसरे की मात्रा कम होगी। जैसे हम पोषण के आधार पर देखते हैं, पौधों की मात्रा धीरे धीरे अगर कम हो जाए या पौधों को काट लिया जाए तो जीवों को भोजन मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह से भोजन मिलने से जितने भी जीवों के लिए जो पदार्थ मिल रहे हैं, मुख्य रूप से एक तो ऑक्सीजन है उनका भोजन है, ये जीवों को मिलना बंद हो जाएगा। तो सभी जीवों का एक निश्चित रूप से जीवित रहना आवश्यक है। तो इस तरह से हम विभिन्न जो प्रदूषण देखने को मिलता है जीवों की कमियों के द्वारा देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम देखते हैं भूमि, जल, वायु, ध्वनि, तो सभी स्थानों पर जीव हैं। किसी भी स्थान पर किसी पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ती जाती है तो ये पदार्थ उन स्थानों को प्रदूषित करते हैं। जैसे हम जल में देखते हैं, जल में हम विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को डालते हैं तो वह वहाँ पाए जाने वाले जीवों के लिए उनका जीना दुभर हो जाता है। उनको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, पर्याप्त रूप शुद्ध रूप से पदार्थ नहीं मिल पाते, जिससे वहाँ की सारी जीव जंतु मर जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ के एक पोषण श्रृंखला समाप्त हो जाता है। वहाँ के पेड़ पौधे जलीय जीव जंतु हैं तो जलीय पादप भी हैं, सभी अगर प्रदूषित जल अगर जल में प्रवेश करता है तो वहाँ की जैविक क्रियाएं, उन जीवों की जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह वायु में भी है, जिसमें विभिन्न फैक्ट्रियों से निकले हुए जो गैसें ये जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जीवों के हानिकारक होने के कारण उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं ये प्रभावित होती हैं। तो सभी
ज्यों को सुरक्षित रखना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं ज्यों से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए ज्यों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। साथ ही अतिशय जनसंख्या नियंत्रण यानी अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने से ज्यों की संख्या बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे वातावरण को भी प्रभावित करता है, उन्हें आवास की आवश्यकता होगी, वातावरण से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ज्यों की संख्या बढ़ने से वातावरण में बहुत सी कमियां देख सकते हैं। तो मानव का दायित्व है कि सभी जीवों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, चाहे पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं, चाहे वो हमारे लिए लाभदायक हैं या लाभदायक नहीं है, इन सभी जीवों को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, जिससे हम अपने आसपास से जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं इन पदार्थों को इन्हीं जीवों से हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सजीवों में विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं ये केवल जीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम आज का जो अध्याय है जीवधारियों के लक्षण के बारे में आपने अध्ययन किया। धन्यवाद। बच्चों, पहले मैंने जो जीवधारियों के लक्षण के टॉपिक पे जीवधारियों के लक्षण चैप्टर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जीवधारियों के लक्षण के अंतर्गत जीवन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा रूपांतरण के रूप में होता है, जीवन ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में होता है, जिसमें मैंने ग्लूकोज जो एटीपी का निर्माण होता है, इस एटीपी के निर्माण में जिसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के दौरान एटीपी और एटीपी बनता है, एटीपी के साथ साथ ये ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरुविक अम्ल और ये पाइरुविक अम्ल जो कि ये कोएंजाइम का निर्माण होता है, कोएंजाइम से ये जिसमें एसिटिल कोएंजाइम कोएंजाइम का निर्माण होता है, ये एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र चक्र के द्वारा इसमें पदार्थों का जो निर्माण होता है एटीपी बनते हैं, एटीपी ये कोशिका के माइटोकांड्रिया कोशिका में बनता है, ये मैंने बताया था। तो कोशिका के कोशिकांग माइटोकांड्रिया क्रेब चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अब सुधार लें, कोशिका का जो कोशिका के अंदर जो उपस्थित कोशिकांग है माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल चक्र क्रेब चक्र पूर्ण होते हैं, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह यहाँ पर कोशिका के माइटोकांड्रिया कोशिका में जो बोला गया था वह अगर कोशिका ना होकर वो माइटोकांड्रिया कोशिकांग में क्रेब चक्र पूर्ण होता है, ये सुधार लेंगे। इसी तरह इसमें जीवों के लक्षण के अंतर्गत जिसमें प्रजनन और जीवत्व
ज्यों में जो गुण पाया जाता है, प्रजनन और जीवत्व। प्रजनन और जीवत, जिसमें प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रत्येक जीवों में गुणसूत्र डीएनए के रूप में पाए जाते हैं और ये जो गुणसूत्र हैं ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, 2N होता है, और ये 2N विभाजित होकर अगुणित कोशिका के रूप में N में विभक्त होते हैं। विभाजन के दौरान N क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, इसमें जो कि रिडक्शन डिवीजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित अवस्था में आते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मक बनता है, दो युग्मक आपस में संयोजित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं और ये युग्मक विभाजित होकर फिर से नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो युग्मक बताया है, यह युग्मक नहीं है, वह क्या है, जाइगोट, युग्मनस। तो जाइगोट विभाजित होकर फिर से नए युग्मक का निर्माण करते हैं और नए युग्मक पुनः संयोजित होकर फिर से जाइगोट बनाते हैं या गुणित अवस्था में आ जाते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से जीवों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में होते हैं। जब इसमें प्रजनन के समय ये अगुणित अवस्था में आते हैं, युग्मक बनाते हैं, आपस में दो युग्मक संयोजित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और जब फिर से ये जाइगोट बन जाते हैं और जाइगोट से नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव में फिर से जब प्रजनन की क्रिया होती है तो इसमें दो अगुणित युग्मक बनते हैं और यह अगुणित युग्मक फिर से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है और द्विगुणित जाइगोट से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से जीवों में जो प्रजनन के दौरान जो नए जीव बनते हैं वो जाइगोट के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इसमें जीवों में जो अनुकूलन की क्रिया होती है, अनुकूलन जो कि अल्पकालिक और दीर्घ अनुकूलन जो पाई जाती है, इसमें आप दीर्घ अनुकूलन के अंतर्गत उनकी क्रियात्मक अनुकूलन में कुछ त्रुटियां हो गई हैं। प्रत्येक जीव में जो अनुकूलन पाया जाता है अपने उनके कार्यों के रूप में या उनकी संरचनाओं में, तो इसमें कार्य के आधार पर जो अनुकूलन हम जो देखते हैं, उनके कार्यों के आधार पर जीवों में अनुकूलताएं पाई जाती हैं उनकी क्रियाओं के आधार पर। इसमें आपको एक उदाहरण बताए थे, मच्छर के अंडों मानव रक्त में विकास करते, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो मच्छर के अंडों के लिए मानव रक्त का प्रोटीन उपयुक्त होता है। मच्छर के अंडों के लिए मानव रक्त का प्रोटीन उपयुक्त होता है, इसलिए जो मादा मच्छर हैं उनके जो सूंड है ये मानव रक्त को चूसते हैं। तो मच्छर के जो अंडे हैं, ये पहले आपको मच्छर के अंडे मानव के रक्त में वृद्धि करती है बताया थी, ये गलत हो गया था, थोड़ा सा आप उसमें सुधार करेंगे। जिसमें मच्छर के जो अंडे हैं ये मानव रक्त या रुधिर के प्रोटीन
उनके लिए उपयुक्त होता है। इस कारण जो मच्छर हैं ये मादा मच्छर के जो सूंड हैं मानव रक्त को चूसते हैं, और जबकि जो नर मच्छर होते हैं ये फलों के रस को चूसते हैं। इतना आप सुधार लेंगे इसमें, जो मानव मच्छर के जो अंडे हैं मानव रक्त में वृद्धि करती है बताया था, वो गलत है। क्या चीज़ है? मच्छर के अंडे मानव के जो रुधिर के प्रोटीन हैं ये उनके लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए मानव को काटते हैं, मच्छर मानव को काटते हैं, यानी कि मच्छर के जो सूंड होते हैं मानव रक्त को चूसते हैं, और जो मानव रक्त का जो प्रोटीन है अंडों के लिए उपयुक्त होता है, और नर जो मच्छर हैं ये फलों के रस को चूसते हैं।